अभी हाल ही में बारिश हुई है और काफी पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और ये मिट्टी भी निकल जाती है कई बार गमलों में से। ये आ गई मिट्टी और ये स्टैंड पे के नीचे से मैंने निकाला इसमें, और ये इजी से मैं सफाई कर पा रही हूँ। हेलो दोस्तों, श्री कुंज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शशि आज आपको अपने बहुत ही ज़्यादा सस्ते और टिकाऊ स्टैंड दिखा रही हूँ। ये देखिए प्लास्टिक की कोटिंग हो रही है इसमें। ये दो तरह के स्टैंड है, ये हालांकि मटका स्टैंड है ये, लेकिन हम इसमें अपने गमले भी रख सकते हैं, तो हम अपने गमले भी इसमें इजी से रख सकते हैं और जब इसके नीचे हमें सफाई करनी है तो इजी से सरका के हम सफाई भी कर सकते हैं। मेरे पास ये कई तरह के कलरफुल ये स्टैंड है। ये देखो, ये मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ है, ये मेरा डिफिन बेचे का प्लांट रखा हुआ है, ये ऐसे मैंने गमला रखा हुआ है इसके ऊपर। अब ये जो गमले हैं, ये वाला देखिए, इनके स्टैंड बने हुए हैं तो पानी का जो फ्लो इनके नीचे से आराम से हो जाता है। ये देखो उंगली जा रही है आराम से, तो पानी आराम से बह जाता है। लेकिन कुछ गमले मेरे पास ऐसे हैं जिनका कोई के पैर नहीं बन रहे हैं, तो ये देखो ऐसे अगर मैं ज़मीन पे रखती हूँ उनको फ्लोर पे, तो ये पानी नीचे मरेगा, तो इसलिए ये मैंने छोटे ये स्टैंड लिए हैं, तो बारिश आएगी पानी का फ्लो नीचे से आराम से हो जाएगा यहाँ से, और इसको सरका भी सकती हूँ मैं ऐसे, तो ये मेरे लिए इजी रहेगा। जो ये इस टाइप के गमले हैं, ये देखो ये बने हुए इसके पैर, तो बारिश में इनके नीचे से तो आराम से पानी बह जाता है। अब जैसे ये मेरे कोलियस है, ये इसमें बैग में ही ग्रो हो रहे हैं ये, तो मैंने अभी इसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये मैंने ऐसे ही प्लेट में रख के इसको ऐसे ही बारिश में रख दिया ताकि बारिश का पानी लगे। ये छज्जे के नीचे रखा हुआ था ये, तो ये काफ़ी मतलब यूजफुल है। ये बैकबोन का ये मेरा प्लांट है ये, तो ये मेरा छज्जे के नीचे रखा हुआ था ये, तो इसको मैं अब बारिश चल रही है, सूखा पड़ा ये गमला मेरा बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ इसमें भी बारिश का पानी लगे, तो इसको मैं यहाँ स्टैंड पे रख रही हूँ। अब ये देखो इसके नीचे गैप है, पानी का फ्लो आराम से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। अब जैसे ये मेरे पास नर्सरी पॉट है, तो ये तो इसमें नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे या तो ये बड़ी ऐसी प्लेट यूज करनी पड़ेगी, या ये मेरे पास कुछ ये मार्बल की टुकड़ी बची हुई है, तो मैं क्या करती हूँ ये मार्बल की टुकड़ी रख के ऐसे इनको मैं सेट कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया ताकि बारिश का पानी भी इनको मिले और ये पानी भी ना मरे छत पे, तो काफ़ी यूजफुल लगे मुझे ये, और रेट भी इनका ज़्यादा हाई नहीं है। ये मुझे पड़े 100 रुपये के 4, मजबूत भी है, तो ये मैं लेके आई थी ये यहाँ लोकल शॉप से, ये ऑनलाइन भी मिलते हैं तो मुझे यहीं पे सस्ते लगे ये अपनी लोकल शॉप पे। ये मेरा गमला रखा हुआ है, ये गुलाब बटन गुलाब की बेल है ये मेरी, तो ये मैंने ऐसे स्टैंड पे रखा हुआ है, तो इसको सरका के अब मैं इजी तरीके से सफाई भी कर सकती हूँ। तो ये हम ऐसे इसको तरीके से पानी के बहाव को हम जाने दे सकते हैं इसके नीचे से। वैसे मेरे परमानेंट ये स्टैंड भी है ये देखिए, ये मैंने रखे हुए हैं ये,
हैवी है ये काफ़ी स्टैंड, ये तो ये मैंने इस पे भी गमले रखे हुए हैं, तो ये मेरे ये ग्रिल के पास रखे हुए हैं ये स्टैंड मेरे, तो ये कुछ गमले मेरे रह गए थे तो उसके लिए मैंने ये स्टैंड लिए हैं। ये सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी है और ये काफ़ी यूजफुल भी है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टैंड अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।